नमस्ते, मेरा नाम है अवंती महेश गौरी, MIT ADT यूनिवर्सिटी से, और आज हम यहाँ पे हैं 5th विश्वनाथ स्पोर्ट्स मीट में। मेरे साथ जुड़े हैं दत्तू भोकानेल सर, जो अर्जुना अवार्ड ओलंपिक के विनर है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपकी ये जो पूरे उतार चढ़ाव और इतने संघर्ष में आपने कैसे अर्जुना अवार्ड यानी ओलंपिक के लिए कैसे प्रिपेयर किया और आपका क्या स्ट्रगल था? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे विलेज से बिलोंग करता हूँ, और जब मैंने 2012 में आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने रोइंग स्पोर्ट्स चालू किया, और उसके बाद जब से मतलब स्पोर्ट्स चालू किया तब से कंपटीशन खेलते जा रहे हैं, और कुछ हर कंपटीशन में नया सीख के आते हैं वहाँ से कि और कितना डेवलप करना चाहिए हमारे अंदर। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि अपने अंदर बदलाव लाना, और वो बदलाव अगर जैसे जैसे हम लोग लाते गए वैसे वैसा रिज़ल्ट अच्छा आता गया, और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, एशियन गेम्स तक, ओलंपिक तक, ये जो मतलब हर कंपटीशन खेलते गए, ये तो मतलब क्या होता है, अपने ऊपर ट्रेनिंग करना और ज़्यादातर खुद के ऊपर फोकस करके जो हम लोग चीज़ करते हैं उसके बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। और 2016 के ओलंपिक तक पहुँचे, ओलंपिक के बाद अभी 18 में एशियन गेम्स भी खेला, ऑल ओवर जो रिज़ल्ट था वो एशिया के लिए और इंडिया के लिए बेटर था, सबसे पहले मतलब इससे पहले वाला और अभी वाला। और जब अर्जुन अवार्ड की बात आती है, उससे पहले छत्रपति अवार्ड मिला जो मेरे महाराष्ट्र का स्टेट का है, और उसके बाद जब अर्जुन अवार्ड 2020 में मतलब 2020 में मिला, तो उसके लिए मतलब जितने पॉइंट्स थे चाहिए थे वो पॉइंट्स थे, और उसके ऊपर मतलब ध्यान दिया गवर्नमेंट ने और वो अलाउ किया। सर, आपको रोइंग मैन भी कहा जाता है, और ऐसे सुनने में आया था, आपने ही कहा था कि आप पहले वाटर बॉडी से डरते थे, तो आपने कैसे अपने फियर को ओवरकम किया और अपना लाइक स्ट्रेंथ बनाया? एक होता है कि जिस चीज़ से तुम डरते हो अगर उसी के ऊपर तुम्हें जीतना है तो खुद सबसे पहले होता है कि खुद के ऊपर काम करना, तो तुम्हें डर किस बात से लग रहा है। और जब मैं मतलब हमारा गांव ऐसा है कि जहां सूखा बहुत ज़्यादा रहता है और पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता होती, तो वहां से हम जैसे आर्मी ज्वाइन किया तो पानी का बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो और लकीली मुझे उसी स्पोर्ट्स में चुना गया जो स्पोर्ट्स पानी के ऊपर ज़्यादातर चलता है, और ऐसे स्पोर्ट्स में जब हम काम करने लगे तो धीरे धीरे डर कम होने लगा, और जैसे डर कम होने लगा तो फिर और मतलब उम्मीदें बढ़ती गई तो रिज़ल्ट भी अच्छे से आने लगा। तो फिर मतलब ये चीज़ है कि खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है। सर, MIT से आपका पहले भी एक नाता रहा है, आप महाराष्ट्र स्टेट ओलंपिक में यहीं पे थे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस आप बता सकते? 2016 ओलंपिक होने के बाद मैं MIT में आया था, कोथरोड में आया था। तो उस टाइम जो मैंने मतलब मैनेजमेंट देखा यहाँ का और कॉलेज की स्टडी देखी, और मैं आया था मतलब कुछ ही घंटों के लिए, बट जो चीज़ मैंने देखी वो मतलब मैं तो नहीं और कहीं देखा कि जो चीज़ यहाँ बनती है मतलब यहाँ से रिलीज़ करते जो भी चीज़ और जो भी अरेंजमेंट करते हैं, सबसे बेटर कि तुम लोग अरेंजमेंट कैसे करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी का यही आता है, बट मेरे तरफ से तो मैंने आज तक मतलब ऐसा अरेंजमेंट यहाँ जैसे कि प्रोग्राम डिज़ाइनिंग हो गया, हर चीज़ स्पोर्ट्समैन के ऊपर ज़्यादातर यहाँ काम होता है MIT में। और जो मतलब विश्वनाथ कराड़ सर है उनके बारे में अगर कहा जाए तो उनका पहला ब्रीद वाक्य मैंने सुना था 2016 में कि तुम सबसे पहले शरीर के ऊपर काम करो, तो मतलब वही हो गया, स्पोर्ट्स के ऊपर काम करो, स्पोर्ट्स के ऊपर काम करेगा तो ऑटोमेटिक देश का भी नाम रोशन होगा और अपना भी होगा। पहले तो सबसे पहला होता है कि हमारे भी मतलब देश और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ होती है कि MIT और स्पोर्ट्स काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है इनका, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि MIT ने ये मेंटेन रखा। बाकी कॉलेजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स का एक ओनली एक इवेंट होता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि ज़्यादातर की एक भी स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है, हर स्पोर्ट्स होता है, बट और ये स्पोर्ट्स होने के बाद मतलब प्लेयर को भी उसका बेनिफिट्स होता है और नया खिलाड़ी कौन बनेगा ये भी पता चल जाता है, और एक मतलब पहचान बनती है आदमी की। आपको बहुत लोग इंस्पायर करते हैं, तो कोई एडवाइस देना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज? बट एक चीज़ होती है कि मैंने स्पोर्ट्स में जब जहाँ जहाँ इवेंट्स किए वहाँ पर देखा कि ज़्यादातर हर किसी को मोबाइल की ज़्यादा आदत लगी है, और मैं कहना चाहूँगा कि देखो कि ज़माना चाहे कितना भी डिजिटल होने दो, तुम्हें 5G आने दो, 10G आने दो, मतलब तुम चाहे नेटवर्क का जितना भी जाल बिछा सकते हो, बट एक चीज़ है कि जो अनाज आएगा वो खेती से आएगा, और जो अनाज हम खा रहे वो अगर तुम्हें फुल हार्मफुल नहीं होगा तो
अपनी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। वैसे ही सेहत के लिए स्पोर्ट्स तुम लोग मतलब मेहनत नहीं करोगे ग्राउंड पे, कोई भी ग्राउंड पे करो, चाहे छोटा ग्राउंड हो, बड़ा ग्राउंड हो, चाहे कुछ भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम आज प्रैक्टिस करो कल ओलंपिक के लिए जाओ, बट ये कह रहा हूँ कि खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर तुम कुछ ना कुछ डेली 24 घंटों में से आधा घंटा खुद के लिए निकालोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और ज़्यादातर मोबाइल से अच्छा गेम खेलने वाला तुम ग्राउंड पे खेलो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अवंती महेश गौरी, MIT ADT यूनिवर्सिटी।